नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं किशनगंज जिले के कोचादवन प्रखंड के गरगांव पंचायत में। यहाँ ये शख्स जो आपको हमारे टीवी स्क्रीन के सामने दिख रही हैं, ये यहाँ की मुखिया हैं, शाही नारा जी। आइए सीधे तौर पे शाही नारा जी से, मुखिया जी से बात करते हैं और इनके पंचायत में क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या इन्होंने विकास कार्य किए हैं गत 19 से 20 माह में। मुखिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, हम शाहीन आरा गरगा पंचायत का बोल रही हूँ कि मेरा विकास बहुत कम है और नल जल भी कम है, इंदिरा आवास भी कम है और अफसरशाही है, ज़्यादा काम नहीं होता है, लोग परेशान है, बीपीएल के लिए परेशान है, राशन कार्ड के लिए परेशान है और ब्लॉक में जाता है और मृत्यु जो बनता था पहले मुखिया का दौरा वो भी नहीं बनता है और जो मंडे का काम है उसमें बहुत टाइट, बहुत परेशानी, लोग का ये नहीं होता है, हो पाता है काम। जी मुखिया जी, यानी कि आप चाहती हैं कि ये सारे काम जो आपके द्वारा होने चाहिए वो आपके द्वारा हों, अफसर शाही इसमें ना चले। जी जी मुखिया जी, आपके यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है? जी स्वास्थ्य केंद्र है और जो पंचायत भवन जो बनना था वो भी बोल के रह गया, मर नहीं हो पाता है और लोग पब्लिक हल्ला करता है कि पंचायत भवन बनना चाहता था, वो लोग जाहिल है, समझ नहीं पाता है और मुखिया को बदनाम करता है कि वो लोग पैसा खा गया है और अभी बोलता है सरकार की टेंडर बनाएगा, टेंडर दिया गया जी और मुखिया नहीं बनाएगा, तो सर हम लोगों का कितना बेइज्जती होता है और हम लोग को सही ढंग से दरमाहा नहीं मिलता है, कोई पंचायत का पढ़ा लिखा जो है लड़का लड़की उसको भी कोई रोज़गार भी नहीं मिलता है कि हम लोग दे पाए। जी मुखिया जी, आपके यहाँ पे जल नल जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, उसकी भी हालत जो आप कह रही हैं ठीक नहीं है, जेई वगैरह सुनते हैं? जी वो लोग नहीं सुनते हैं और बहुत जगह नहीं हुआ है, नहीं दे पाते हैं हम लोग और जेई भी काम करता है तो बहुत टाइट काम करता है, टीसी लेता है वो लोग हर चीज में, यानी कि यहाँ पे घुसखोरी का भी सिस्टम चालू है। जी, जी, तब तो यहाँ फिर इंदिरा आवास के लिए जो है आवास सहायक लोग वो भी घुस लेते होंगे? जी हाँ वो भी लेते हैं। और एक व्यक्ति जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जो आपने बात की उसके लिए अगर ग्रामीण अगर उनके पास जाते हैं तो वो लोग भी उनसे पैसों का डिमांड करते हैं या नहीं? वो तो बनता है आंगनबाड़ी से और ये से जो कलमचारी है उससे बनता है, तो वो लोग भी इसमें घूस की बात करते हैं? वो नहीं, आंगनबाड़ी नहीं लेता है, आंगनबाड़ी नहीं, लेकिन ब्लॉक के द्वारा जो वहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग हैं जो उनसे पैसों की डिमांड करते हैं? मृत्यु जो है तो हम ही लोग वही ये क्या लगता है उसमें एफिडेविट हम ही लोग कर देते हैं अपने पैसे से। कबीर अंत्येष्टि की आपके यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी कबीर अंत्येष्टि योजना जब किसी का निधन हो जाता है तो उस वक्त तो उसको पैसा आप लोग देते हैं जी, और वो पैसा आपको रिटर्न मिलता है? अभी नहीं आया है सर जी। और जब आप अपने गांव में जनता के बीच जाते हैं तो जनता लोगों की मुख्य समस्याएं जो हैं वो क्या क्या आप लोगों के सामने आती हैं? वो लोग बोलता है कि हम लोग का राशन कार्ड नहीं बनाया है, कोई बोलता है कि हमको ये विधवा पेंशन नहीं मिलता है, कोई बोलता है कि मेरा घर नहीं है और नाला नहीं है, सड़क नहीं है, ये बोलता है सर, इस चीज़ का बहुत कमी है हम लोग का यहाँ, नल जल बहुत कमी है। जी मुखिया जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से कुछ कहना चाहेंगी या हमारे चैनल के द्वारा उनको संदेश देना चाहेंगी? हाँ मंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा कि हम लोगों का हर चीज़ मांग पूरा कर दें आप जी। ये थी यहाँ की मुखिया शाही नारा जी।
आपने इनकी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से जो भी इन्होंने बोला, खुल के इन्होंने कहा कि हमारे ग्राम में, विकास में, पंचायत में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी समस्या पे ध्यान दें और हम लोगों की मांगें पूरी की जाए। मैं नीरज मिश्रा, कैमरा मैन गौरव के साथ, बिहार न्यूज़, धन्यवाद।